शाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग मुख सेविका वाले जुड़े हुए हैं, मुख सेविका वाली कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे चैनल से। इसके पहले भी मैं कई सारा वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था, मैंने मुख सेविका का सिलेबस भी जो एक्सेप्टेड सिलेबस होता है वह कुछ बताया था। मुख सेविका में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वह सारी जानकारी आप लोग को दी गई थी, ऑल टू ऑल पूरी जानकारी मुख सेविका की जहाँ तक संभव था हमारे द्वारा दिया गया था। आप लोग को जानकारी लिए बता दें कि मुख सेविका एक बहुत बड़ी भर्ती महिलाओं के लिए, खास महिलाओं के लिए जो UPSSPET 2021 का फॉर्म अप्लाई की हुई हैं वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनका नंबर 0 से अधिक रहा हो UPSSPET 2021 में और जिनका एज जो है, उम्र जो है 21 से 40 साल हो, वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो ग्रेजुएशन हो। वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो ग्रेजुएशन में BA हो। देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन है, मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जो लोग सोच रहे हैं BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ BA वाले ही अप्लाई करेंगे। तो वही महिलाएं जो BA हों, 21 से 40 साल की उम्र हो, UPSSPET 2021 से फॉर्म अप्लाई किया हो, वही लोग आवेदन दे सकते हैं। और वही लोग आवेदन दे सकते हैं जिनका BA में होम साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, समाज कार्य हो। तो ये सब सारी जानकारी आप लोग को दी गई थी। तो 24 अगस्त तक लास्ट डेट था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया था। अब फिलहाल करेक्शन का टाइम चल रहा है, करेक्शन भी लोग जो लोग एलिजिबल हैं करेक्शन करने के लिए वह लोग करेक्शन भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारे लोग जो मुख्य सेविका का फॉर्म भरी हुई हैं महिलाएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुख्य सेविका में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, मतलब कितनी महिलाएं, कितने लोग फॉर्म पड़ चुका है, कितना मुख्य सेविका का फॉर्म पड़ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरह से अगर यह पता चल जाता है कि किसी भी भर्ती में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं तो एक अलग ही उत्साह मिलता है, एक फिर व्यक्ति का पढ़ने में मन लगता है, एक उत्साह मिलता है कि हाँ इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ताकि हर आदमी, हर महिला या पुरुष जो भी हो उस भर्ती में हो, कैंडिडेट हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो यूपी मुख्य सेविका में नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, 24 अगस्त तक लास्ट डेट था, आयोग को बता देना चाहिए नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, लेकिन आयोग ने अभी बताया नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं, 24 अगस्त बीतने के बाद यह पहला वीडियो है जो मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट की चर्चा आज के वीडियो में कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ यूट्यूब पर कितने कुकुरमुत्ते की तरह कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो उल्टे सीधे किसी प्रकार का जोड़ तोड़कर न्यूज़ देते रहते हैं। मैं आप लोग को एक बात आपको बता देना चाहूँगा, PSS पाठशाला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है। मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, एकदम 100% सटीक मैंने कहा था। आप लोग जाकर देखिए, 3-3 साल पुरानी वीडियो, जो लोग टीचर भर्ती से संबंधित होंगे वह लोग जाकर देखिए, 3-3 साल, 2-2 साल पुरानी भर्ती है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में लंबी थी, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में थी और 60-65 की कट ऑफ के बीच BEd BTC और शिक्षा मित्र के जो लोग थे उन लोगों के बीच आपस में खींचतान लगी हुई थी कोर्ट में सिंगल बेंच से डबल बेंच तक, तब भी हमने स्पष्ट शब्द कहा था कि 60-65 पे जीत होगी तो होगी, क्योंकि पूरी तरह से पक्ष में था। तो जो PSS पाठशाला की तरफ से जो जानकारी मिलती है वह जानकारी आप लोग को दी जाती है। और यही बात मैं मुख्य सेविका के बारे में बोल दूं, नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में बोल दूं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट मुख्य सेविका का क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख होगा, कुछ लोग 4 लाख। मैं समझ नहीं पाता हूँ यह लोग कैसे नशा करके आते हैं, क्या कह रहे हैं कि मुख्य सेविका का में अप्लाई करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वह 4 लाख होंगे। कोई तो 1 लाख बोल रहा है, गनीमत है 1 लाख बोल रहा है। मैं आप लोग को 100% सटीक प्रमाणित, अगर PSS पाठशाला यह कह रहा है तो पूरी तरह से जान लें, PSS पाठशाला 100% सटीक जानकारी दे रहा है और मैं इस पर कायम भी रहूंगा, यह बात आप जान लें। यहां पर मैं आप लोग बता दूं यूपी मुख्य सेविका नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हो सकता है, मैं एक्सेप्टेड बता रहा हूं और यह भी बता दूंगा, मैं जो बता रहा हूं उसमें एक कैंडिडेट भी अगर ज्यादा हो गया तो आप कहिएगा मैं हार जाऊंगा सर, यह बात आप जान लें। PSS पाठशाला मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। मैं आपको बता दूं PSS पाठशाला का अपना बहुत सारे पेज हैं, 2-2, 3-3, 2 लाख से 2.5 लाख का फेसबुक पेज, एजुकेशनल फेसबुक पेज है हमारे पास, एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, 15-15, 20-20 हज़ार सदस्यों वाली। ऐसी बात नहीं कि हवा में बातें होती हैं, यहाँ पर सर्वे होता है, परीक्षण होता है, विश्लेषण होता है, तब जानकारी आप लोग को दी जाती है। तो आप समझ लीजिएगा, छोटे भाइयों से कंपेयर आप मत करिएगा, 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख पेज जो यहाँ पर एजुकेशनल लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से सर्वे करके, वहाँ से जो आंकड़े मिलते हैं वह जानकारी आप लोग को PSS पाठशाला देता है। तो यहाँ बात आपको बता दूँ, सबसे पहले आप लोग यूपी मुख्य सेविका वाले जितने भी जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी मुख्य सेविका संबंधित छोटी बड़ी जो भी न्यूज़ होगी वह न्यूज़ मैं आप लोग को देता रहूँगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं बता दूँ कि कितना, क्या बोलते हैं, कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 25,000, मैं 100% सटीक बोल रहा हूँ,
अगर 25,000 एक भी हो जाएगा ना नंबर आप कैंडिडेट, पीसीएस पाठशाला अपने आपको हारा हुआ घोषित करेगा। मैं हारा हुआ घोषित करूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा एक ही तो ज़्यादा हुआ है, मैं साफ साफ बोल दूं 25,000 एक भी हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि यूपीसीएस पाठशाला, मैं चैनल पे आकर बोलूंगा पीसीएस पाठशाला अपना सर्वे जो था, महासर्वे जो था, जो अपना आंकड़ा था यूपी मुख्य सेविका का नंबर ऑफ कैंडिडेट का, वो हार गया, वो हार गया, मैं यह घोषित करूंगा। यह बात आप जान लें। हमने फिर बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे फेसबुक पेजेज हैं जहाँ बहुत सारे एजुकेशनल लोग जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जो आंकड़े मिलते हैं, वहाँ जो जानकारियाँ मिलती हैं वह जान। मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारा सर्वे किया हुआ है, 2-4 लोगों से 5 लोगों से पूछा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे साइबर कैफे में पूछा हुआ है जहाँ पर दर्जनों की संख्या में दिन भर लोग घेरे रहते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो छात्र हों या छात्रा हों, मैंने वहाँ भी पूछा हुआ है, वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि मैंने, मुझे याद भी नहीं है शायद कोई 2 या 3 दिन में कभी कोई ऐसी महिला का हमने फॉर्म भरा हो जो मुख्य सेविका का हो। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी कम है। तो 25,000 से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25,000 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट 25,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, यह बात आप जान लीजिएगा। तो यूपी मुख्य सेविका नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 25,000। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ 100% सटीक और प्रमाणिक जानकारी दी जाती है। हो सकता है कुछ भी जानकारी हमारी गलत हो, लेकिन गलत होने के आसार नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर 25,000 एक भी होगा तो मैं इसी चैनल पर आकर मैं कहूँगा कि हाँ हमारा सर्वे, हमारा आंकड़ा गलत निकला है, तो यह बात आप जान लें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आखिरी निवेदन, आखिरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से जो लोग हमें धन्यवाद बोलना चाहते हैं, जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है द प्रवीण मनी के नाम से, द प्रवीण मनी के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन सबसे हमारा बहुत बड़ा आग्रह है कि आप द प्रवीण मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ कुछ वीडियोज को आप लोग देखिए। सभी वीडियोज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है द प्रवीण मनी का, वहाँ पर भी मैं आप लोग को जानकारी देता रहता हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है द प्रवीण मनी यूट्यूब चैनल का, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यूपी मुख्य सेविका के बारे में तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और एक बार फिर बोल रहा हूं, यूपी मुख्य सेविका किसी के भी बहकावे में मत आइए। 25,000 का जो आंकड़ा दे रहा हूं मैं, एकदम 100% सटीक और प्रमाणित आंकड़ा दे रहा हूं, यह सर्वे का आंकड़ा है, हो सकता है यह गलत हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यह मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ है। इसलिए मैं यह बोल रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा जो आंकड़े लाए गए हैं, सर्वे हमारे द्वारा जो किया गया है, जो पूछताछ किया गया है फेसबुक पेजेज पर, ग्रुप में, टेलीग्राम पर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उस आधार पर मैं बोल रहा हूं 25,000 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुमान कहता है और बिल्कुल वही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को, और द प्रवीण मनी यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।